Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is Pop Tailor. आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी पेपर पर। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड में रखा है। ये तीनों साइड इसकी ओपन साइड है और ये क्लोज वाली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा लूंगी इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पर आप लोगों को 2 इंच का मार्जिन लेना है क्योंकि ये सादा ब्लाउज रहेगा। तो यहाँ पर भी मैं एक निशान 14 इंच पर लगा देती हूँ और एक निशान 16 इंच पे इस तरीके से। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूंगी। तो इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसे समझने में। अब गाइस यहाँ पर मैं गले का निशान लगा लेती हूँ। तो एक निशान हम लोग इस तरीके से 2 इंच पर लगाएंगे और पीछे के गले की लंबाई गाइस मैं 8.5 इंच रखूंगी। तो 8 इंच का तैयार हो जाएगा। आप लोगों को गले की लंबाई जितनी भी रखनी हो उसमें 1/2 इंच ऐड कर दीजिएगा। अब इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगी और यहाँ पर मैं 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मैं इस तरीके से गले की गोलाई दे दूंगी। इस तरीके से देखिए गोलाई का निशान लगा दिया मैंने। अगर आप लोगों को गला फैलाना तो अगर आप लोग इसे थोड़ा इस तरीके से बाहर करके निशान लगाएंगे तो आप लोगों का जो गला थोड़ा सा फैल जाएगा। अब यहाँ से मैं 5 इंच पर निशान लगा दूंगी आर्मोल का। और यहाँ पर हम लोग 40 इंच के ब्लाउज की कटिंग कर, तो यहाँ पर 6 इंच लूंगी आर्मोल के लिए। ये देखिए 6 इंच पर निशान लगा दी। और अगर आप लोगों का चेस्ट साइज थोड़ा सा कम 36 या 32 है तो आप लोगों को 6 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगा देना है। और अब यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगी। और गाइस ये ब्लाउज का बैक पार्ट है तो यहाँ पर हम लोग 2 इंच से आर्मोल का शेप देंगे और यहाँ से 1/2 इंच डाउन करते हुए मैं आर्मोल का शेप दे दूंगी। आर्मोल का शेप देने के बाद गाइस मैं इंची टेप को इस तरीके से रखूंगी और यहाँ पर 10.5 इंच पर प्लेट का निशान लगा लूंगी। और यहाँ पर मैं स्केल को इस तरीके से रख, हम लोगों को कितनी प्लेट को पकड़ करके सिलाई लगानी उसका भी निशान लगा लूंगी इस तरीके से, ये देखिए। और अब इस तरीके से इंची टेप को रखूंगी और 40 इंच के चौथाई भाग यानी कि 10 इंच एक इस तरीके से निशान लगा लूंगी और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले लूंगी, एक निशान इस तरीके से लगा दूंगी। और यहाँ पर भी मैं 12 इंच पर निशान लगा देती हूँ और अब एक सीधी लाइन खींच देती हूँ। सो गाइस ये निशान लगाने के बाद ये ब्लाउज का बैक पार्ट है तो यहाँ से आप लोगों को 1/2 इंच नाप कर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और गाइस यहाँ पर ये जो मैंने प्लेट का निशान लगा ना, यहाँ पर ना आप लोगों को इसको बिल्कुल सीधा यहाँ इस तरीके से यहाँ पर सीधी सिलाई चलानी रहेगी। ये मैं बताना भूल गई थी, ये देखिए यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक सीधी सिलाई चलानी, उसके बाद में इसे इस तरीके से सिलना रहेगा। क्योंकि आप लोग अगर इसे इस तरीके से यहाँ पर फैला देंगे फिर सिलाई लगाएंगे तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, बराबर से फोल्ड नहीं होगा। ये मैं बताना भूल गई थी इसलिए मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ। तो ये जो 1/2 इंच अंदर के निशान लगा के मैंने लाइन की, ये वाली लाइन की आप लोगों को कटिंग करनी, ये देखिए इस तरीके से। और अब गले की कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए मैं इसे ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके का है। ये वाली जो प्लेट यहाँ पर निशान लगा है गाइस, इस प्लेट को आप लोगों को इस तरफ भी कॉपी पेस्ट कर देना तो ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग होगी। अब हम लोग ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। और फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए भी मैंने पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड में करके रखा और ये तीनों साइड इसकी ओपन साइड है और ये वाली साइड क्लोज साइड। इसके बाद में ये जिसकी क्लोज साइड है इसे मैं इस तरीके से रखूंगी पेपर के ऊपर, ये देखिए बराबर से रखना है आप लोगों को। और फ्रंट पार्ट का गला गाइस मैं 6.5 इंच का रखूंगी और यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे दूंगी। और गाइस ब्लाउज के बैक पार्ट से मैं फ्रंट पार्ट को 1/2 इंच लंबा कट करूंगी। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच पर निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से, यहाँ पर निशान लग चुका है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आर्मोल को 1/2 इंच अंदर की ओर निशान लगाऊंगी और इस तरीके से शेप दे दूंगी आर्मोल को। इसकी कटिंग कर देती हूँ और फिर इसके बाद इसमें प्लेट्स डालूं। तो गाइस मैंने इसे कट कर लिया। अब हम लोग इसमें प्लेट का निशान लगा लेते हैं और बेल्ट का निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाऊंगी, तो इस तरफ से मैं 5.5 इंच पर निशान लगा दूंगी और इस साइड से मैं 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाऊंगी। इसके बाद आप लोगों को स्केल को इस तरीके से रखना है और इन लाइनों को इस तरीके से मिला देना है।
और फिर आप लोगों को आधा इंच ऊपर के साइड पर निशान लगा देना है कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो आधा इंच से दो पॉइंट ज्यादा पर भी निशान लगा सकते। इसके बाद आप लोगों को इसे कुछ इस तरीके से ऊपर को कर देना है। तो हमारी बेल्ट का निशान लग चुका है, अब हम लोग इसमें प्लेट्स का निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगा लेना है, जैसे हम लोगों ने ब्लाउज के पीछे के पार्ट में करा था। इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेनी और फिर इस तरीके से निशान लगा लेना। अब इसके बाद मैं यहाँ पर 2 इंच के गैप पे इस तरीके से निशान लगा लूंगी पॉइंट पॉइंट, और अब इस तरीके से ब्लाउज की प्लेट्स डाल दूंगी। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई गाइस। जब आप लोग इसे फैब्रिक में कट कर रहे हो तो इस निशान को आप लोगों इस साइड में भी कॉपी कर लेना रहेगा। और अब हम लोगों ने जो बेल्ट का निशान लगाया इसे हम लोग कट कर लेते हैं। फिर आप लोगों को इसे इस तरीके से बीच से भी कट कर देना है, ये जो बीच से ज्वाइंट है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लाउज के बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी आई एम श्योर, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी और प्लीज बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऑल पर कर। तो चलिए अब हम लोग ब्लाउज के आस्तीनों की कटिंग कर लेते हैं। तो इसे मैं साइड में करती हूँ। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड में करके रखा है। प्लीज आप लोग फोल्ड फोर में करके रखिएगा जब इसे फैब्रिक में कट करिए, क्योंकि अगर आप लोग इसे डबल फोल्ड में करके रखेंगे तो आप लोगों की ब्लाउज की सिर्फ एक आस्तीन कटोगी, दो आस्तीन नहीं कटोगी। तो आप लोगों को इसे डबल फोल्ड में नहीं फोर फोल्ड में फोल्ड करके रखना है। और तो स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर मैं 4 इंच की लूंगी, तो ये 5.5 इंच लंबा, तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर निशान लगा दिया क्योंकि हम लोगों को 4 इंच की आस्तीन तैयार करनी। और यहाँ पर ये 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर भी 4 इंच पर निशान लगा देती हूँ। यहाँ पर हल्के से मुझसे लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी इसलिए मैंने इसे सीधा कर दिया। अब गाइज मैं यहाँ से 3 इंच पर निशान लगा लूंगी इस तरीके से। और यहाँ पर आस्तीन की चौड़ाई का मैं निशान लगा लेती हूँ 15 इंच के, जिसका आधा 7.5 इंच होगा। तो 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसके बाद इसमें गाइज 2 इंच का मार्जिन ले लूंगी इस तरीके से, और इस तरीके से इंची टेप को रखना है आप लोगों को। और ब्लाउज के चौथाई भाग पर निशान लगा लेना है, तो 10 इंच पर मैं इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। और अब इस लाइन को इस तरीके से कर देना, और ये जो हम लोगों ने 3 इंच पर निशान लगाया था इसे इस तरीके से सीधा कर लेना है। और अब यहाँ से मैं आर्महोल का शेप दे दूंगी, ये देखिए। और आगे की साइड गहराई देने के लिए 1/2 इंच लेकर के आप लोगों को इस तरीके से निशान लगा लेना रहेगा। यहाँ से अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर देती हूँ। तो पहले आप लोगों को जो ऊपर की साइड वाला निशान है उसको कट करना रहेगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर कट लगा दूंगी सेंटर, और इसे फिर आप लोगों को ओपन कर लेना रहेगा। आप लोग ओपन कर लीजिएगा तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। फिर आप लोगों को इसे इस तरीके से कट कर देना। तो ये देखिए गाइस हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। सो गाइस यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।